हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। अभी मैं हूँ पूसा में और जो राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे किसान मेला लगा है, तो मैं भी पहली बार आ गया हूँ अपने घर से 50 किलोमीटर दूर। तो फिलहाल मैं अभी रजिस्ट्रेशन करवा लिया हूँ और ये थैला ले लिया हूँ, 20 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है। और यहाँ का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हो सकता है लंबा वीडियो होगा लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं। और सामने का नज़ारा देखिए। While I was in the mall, fucking around at you right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I am playing by your rules. ये देखिए, यहाँ पे वैज्ञानिक के द्वारा बताया जा रहा है जो कैसे किस चीज़ का खेती करना चाहिए, ये भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को। और मेला में क्या क्या है ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्री में एक टोपी भी मिल गया है, प्रकाश को भी मिल गया है, और प्रकाश का भी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो चलते हैं इसका भी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। और हम लोग एक बार इनके साथ घूम लेते हैं, लोगों के साथ और देख लेते हैं, उसके बाद खुद भी थोड़ा देर एंजॉय करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। आए हैं तो पूरा देख के जाएंगे। ये सब देखिए, सब किसान से ही जुड़ा हुआ है। ये क्या है इसके बारे में उतना तो हम जानते हैं नहीं, लेकिन जितना गेहूँ का है इसमें बीज डाला जाता है ना, इसमें बीज डाल के देखिए सब घुमाते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं। ये देखिए गोभी काटने वाला मशीन है, पत्ता गोभी का देख रहे हैं। तो आपको आगे आने क्या हो सकता है, आपको ये भी गेहूं का दिशा बदलनी है तो दिशा भी बदलनी होगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि समय। देख सकते हैं हर जगह बीज मिल रहा है, किसान से ही संबंधित सारे सामान मिल रहे हैं, देख सकते हैं ये सब। और बताया भी जाता है जो किस तरीके से आप इसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें, आपके लिए होता है, हमारे लिए भी होता है। तकनीकी सही ढंग से आपके पास सही पहुंचे तो अपनी तकनीकी अर्थ नहीं रहता है। तो ये सब देख रहे हैं गेहूं का है, किस तरीके से गेहूं की बाली है, देख रहे हैं गेहूं का बाली। और ये देखिए थर्मोकोल का तितली बना है। और ये धान का किस तरीके से, और ये बुक का स्टॉल है, यहाँ से आप ले सकते हैं और जान सकते हैं। और ये देखिए फूल है, कुछ सब्जी का भी है, और ये सब पेड़ देखिए, इसमें बहुत पेड़ का नाम भी नहीं मुझे पता है कौन सा पेड़ है। और इधर देखिए और ये देखिए कुछ अचार उचार बना भी हुआ है, वो ही बिक रहा है। और मशरूम का भी बीज है इसमें। यहाँ बहुत सारा पंडाल है और हम लोग इसी में बागे हैं। देखिए बेल का मतलब सब फल जो है ना, सबका सैंपल रखा हुआ है जो कितना बड़ा हो सकता है, कौन सा बीज। ये अमरूद वीडियो में तो छोटा लग रहा होगा लेकिन काफ़ी अच्छा साइज है इसका। ये देखिए पपीता है सब। और वैसे तो पपीता हम लोग के यहाँ विलुप्त ही हो गया क्योंकि टावर लगने से। और भी देखिए मूली देखिए, गाजर देखिए, सब जितने भी फल से लेकर के सब्जी है सबका वेराइटी इसमें रखा हुआ है, ये इतना बड़ा तक हो सकता है। और बीज भी यहाँ का विश्वसनीय होता है क्योंकि जानते हैं विश्व में सबसे प्रसिद्ध पूसा का जो है सब। और ये देखिए ये भी बनाया हुआ है जूस वगैरह। और ये केला और ये सब फूल का गुलदस्ता सब यहाँ से मतलब
प्लांट आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे तो फूल तो जानते ही हैं मन पसंदीदा रहता है मेरा, लेकिन दो तीन दिनों से बहुत ख़राब है टाइम, अभी उखाड़ लेता है दरवाजे पर से पता है उखाड़ता है। और ये देखिए रजनीगंधा का फूल कितना अच्छा लग रहा है, ये सब फूल देखिए। घूमने में तो खूब मज़ा आ रहा है, बस यही है जो बहुत दूर में मेला लगा हुआ है। ये देखिए गेंदा का पेड़, वैसे गेंदा का तो सीजन अब खत्म है, यहाँ पर जितना भी पेड़ लगाया हुआ है सीजन अभी ख़त्म है, ये सर्दी के मौसम में। और ये देखिए केवी फल, केवी ये न्यूजीलैंड में और चीन में ज़्यादा पाया जाता है, महंगा भी रहता है, लेकिन यहाँ भी शायद अपनी मिट्टी में भी हो सकता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये केले के रेशा से बनाया हुआ है, केला का जो होता है थम जो होता है जिसको बोलते हैं पेड़, उसको कैसे बनाते हैं पता नहीं, इसका भी मशीन होगा कहीं जरूर होगा, देखेंगे चल के हम लोग। और हाथ की कारीगरी किया हुआ जितना यहाँ पे सामान है सब परसों सब बनाया हुआ है, देखते हैं ये सब भी बनाया हुआ है, सब केले रेशा से बनाया हुआ है। ये पर से देखिए लेडीज बॉस, ये सब हाथ की सब कलाकारी, बहुत आनंद आ रहा है मज़ा। और यहाँ पे कुछ एजेंसी का भी प्रचार प्रसार, गाड़ी भी लगा हुआ है और खाने पीने का सामान भी कुछ पूरा हम लोग घूम लेते हैं क्योंकि बहुत देर हुई। जूस तो पी लिए लेकिन यार महंगा बहुत है, डबल यहाँ पे दे रहा है महंगा, दो गुना पैसा। और नर्सरी देखिए, मन तो करता है क्या क्या कौन कौन सा फूल ले लें, लेकिन लेंगे नहीं, घूमने के लिए आए हैं, जो ज़रूरत है वही लेंगे, पेड़ नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा सीजनली ही है, पैसा बर्बाद जाएगा। और ये वाला प्लांट ये जो देख रहे हैं ये तो मेरे पास है अभी, ज़्यादा बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ भी गेंदा का अच्छा वेराइटी है, सब नर्सरी वाले जितने होंगे ना आसपास के सब अपना अपना वेराइटी लेके आए हैं प्रचार प्रसार के लिए, जो लोग बीज लेके जाएंगे। तो कपड़ा का भी दुकान है यहाँ पे, फैशन प्लांट सब कुछ मिलता है, मैं तो पहली बार आया हूँ, देखता हूँ और क्या क्या मिलता है। सेल वाला है 100 रुपये।